जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने भी बल्लेबाजी करी, जहीर जब वो आए अगेन, हमने बात करी कि आत्मविश्वास की कमी थी उनमें, वो थोड़े ज्यादा पॉजिटिव लगे इस साझेदारी में, बनस्पत चेतेश्वर पुजारा के अपना गेम खेलते रहे, कितना कंट्रोल में लगे आपको आज वो? क्योंकि हमने पहले बात बहुत करी है कि कुछ ऐसा एक समय आ गया था जहां पर लग रहा था कि वो शायद टेंटेटिव है आउटसाइड ऑफ स्टंप या क्लियर नहीं है अपने दिमाग में, आज पूरी तरीके से क्लियर? मुझे ऐसा लगता था ना कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि कभी कभी टफ सिचुएशन आपको फायदा कर जाती है, तो आप ज्यादा आपका फॉर्म का नहीं सोच रहे, तकनीक का नहीं सोच रहे, बस यही सोच रहे थे कि इस स्टेज में मेरा यहाँ पर खड़े रहना क्रीज पे बहुत जरूरी है टीम के लिए। और मुझे लगता है कुछ अजिंक्य रहाणे उस तरीके की पर्सनैलिटी भी है, तो अगर आप देखोगे कि इनका टफ सिचुएशन में इन्होंने काफी अच्छे नॉक्स खेले, तो आज की सिचुएशन मुझे लगता है उन्हें उन्हें फॉर्म के आगे ले गई, ना कि फॉर्म के बारे में सोचे, बट सिचुएशन को समझ के वो उसी तरीके से अपने आप को अप्लाई कर रहे थे क्रीज पे, और उस चीज का उन्हें जरूर मैं समझता हूँ इस इनिंग में फायदा हुआ। लॉर्ड्स के मैदान पे इनका वैसे ही अच्छा रिकॉर्ड है, इन्होंने काफी रन भी बनाया पहले, तो उसका भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है एक खिलाड़ी को। उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है, सही आपने मुंबई रणजी टीम में थोड़ा समय बताया होगा उनके साथ, आपने बात करी कैसे वो 36 ऑल आउट के बाद एडिलेड में कप्तानी भी मिल गई, टीम को संभालना भी था और वहां से जिस तरीके से सीरीज जिताई, क्या व्यक्तित्व उनका कुछ ऐसा है कि वो पसंद करते हैं चैलेंजेस, पसंद करते हैं जब आप बैक्स अगेंस्ट द वॉल हो तो वो वापस आए कम आउट स्विंगिंग? हाँ बिल्कुल, आप उनकी तरफ देखिए तो कुछ ऐसा ही लगता है ना, जिस तरीके की पारियां भी उन्होंने पहले भी खेली है तो कुछ कुछ वो ऐसा ही प्रतीत होता है उससे कि आप टफ सिचुएशन को पसंद करते हैं, प्रेशर अब्सॉर्ब करने में आप अपने आप को ज्यादा बैक करते हो, तो आप कह सकते हो कि ये अजिंक्य रहाणे का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो 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 मुझे लगता है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो सक्सेस मिला है उस सक्सेस में काफी बड़ा हाथ उनके इस अप्रोच का, एटीट्यूड का, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इन इन सब चीजों का जरूर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हुआ है।